170 को लेके जो आपका विरोधाभास है, अमित शाह ने लगातार हमारा कोई विरोधाभास नहीं, हमारा तो किसी कीमत पर हमारा कोई विरोधाभास नहीं, हमने तो उसे भी बता दिया था कि धारा 370 हटाने की बात नहीं होनी चाहिए, कॉमन सिविल कोड को थोपने की बात नहीं होनी चाहिए, अयोध्या मसले का समाधान या तो आपसी सहमति से या कोर्ट के आदेश के मुताबिक होना चाहिए। और ये बात 1996 जब पहली बार हम लोगों की पार्टी का बीजेपी के साथ अलायंस हुआ है उस समय से ही हम लोगों का ये स्टैंड, तो हम लोग तो अपने स्टैंड पर हैं। बीजेपी का स्टैंड कोई आज का नहीं है, बीजेपी का ये स्टैंड अपना पुराना है, एक दल के रूप में पहले से सरकार में शामिल होने की शर्त होगी चाहिए। आप इतने दिन से तो है बीजेपी का स्टैंड, और अलग अलग सरकारें बनती है, अलायंस की सरकार बनती है तो सबके कंसेंट की बात होती है, और धारा 370 तो कॉन्स्टिट्यूशनल है ना, तो आप ऐसे ही सोच लीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कोई कर देगा। बीजेपी का ये जुमला है, ये बात नहीं कह सकते, वो अपना अपना विचार है, हर पॉलिटिकल पार्टी की राय अपनी अपनी होती है, पार्टी के रूप में उनकी ये राय आज की नहीं, अगर जबरदस्ती राय बहुत पहले तो आप क्या करें, लेकिन जहां तक कोई जबरदस्ती नहीं, तो वो सिंपल चीज है, कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट दो तिहाई दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में आवश्यक है, इसलिए इसके बारे में क्यों आप उतनी दूरी तक जा रहे हैं, एक पार्टी के रूप में तो सबके अपने विचार होते हैं, उसमें हम लोगों का विचार स्पष्ट है, लेकिन अगर कोई अलायंस होता है तो इन चीजों को कुछ भी काम करने के पहले इन चीजों पर विमर्श होता है, इसलिए इसमें कोई